और हम लोग पढ़े थे अध्याय 3 वरदान के बारे में, उसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसको यहाँ लिख दिया गया है, साथ ही साथ उसके अर्थ को भी लिख दिया गया है। जैसे एकाएक, अचानक, संकोच करना, झिझकना, ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, द्वेष, भेदभाव, खचाखच यानी ऊपर तक पूरी तरह से, नेक, नेक मतलब अच्छा, बढ़िया, सलाह, विचार विमर्श, अंतधार, गायब हो जाना, आग्रह, निवेदन करना, मूल्य, कीमत, दाम, ठीक है। इस सब शब्द के अर्थ को यहाँ लिख दिया गया है, उसको खूब बढ़िया से ध्यान में रखना है और उसको याद करना है। फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, आंसर लिख दे रहे हैं, और उसको आप लोग ध्यान से किताब से क्वेश्चन उतारिएगा और यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है उसको उसके नीचे लिख लीजिएगा। देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन है, भगवान क्यों प्रकट हुए। उसका आंसर लिखेंगे किष्णु की मेहनत, तथा भक्ति भाव देखकर भगवान प्रकट हुए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किष्णु ने क्या माना। किष्णु ने मांगा कि मेरे घर में रखा संदूक रुपये से भर जाए तथा निकालने पर भी समाप्त न हो, जितना निकले उतना फिर उसके अंदर और आ जाए। तीसरा है कि प्रत्येक दुकानदार ने क्या कहा। प्रत्येक दुकानदार ने कहा कि सामान लेने के लिए रुपया
नहीं। अनाज लाना होगा। ठीक है, फिर घर में है। किसने परेशान क्यों हो गया? दुकानदारों द्वारा पैसा न लेने के कारण किष्णु परेशान हो गया। आखिर में किष्णु ने भगवान से क्या कहा? अंत में किष्णु ने भगवान से अपना वरदान वापस लेने की बात कही। ठीक है, पांच क्वेश्चन है, पांचों का आंसर हम लिख दिए। ठीक है, अब जो है इसको आप लोग क्वेश्चन किताब से उतारेंगे और उसके आंसर को उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा है कि ठीक है, इतना ही रहने दीजिए आज, फिर बाकी जो होगा अगली बार देखा जाएगा।